गाइस, तो गुड आफ्टरनून। और आज है, कल है करवा चौथ, और आज मैंने कुछ सामान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, तो मैं करवा चौथ की शॉपिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि मैं करवा चौथ की शॉपिंग क्यों करी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं करवा चौथ नहीं रखूँगी, तो फिर मैंने शॉपिंग क्यों करी, आप लोग यही जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो हाँ, ये है कि मैंने करवा चौथ की शॉपिंग करी नहीं, करवाई है। क्यों करवाई है मैं बता रही हूँ, लेकिन तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करवा चौथ मैं तो नहीं रखूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ मैं शेयर आपके साथ ज़रूर करूँगी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले करवा चौथ की शॉपिंग किसने रखी है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। करवा चौथ की शॉपिंग रखी है मेरी जो और किराएदार रहती है, उन्होंने की है। तो ये मकान मालिक ने की थी, तो उनकी तो शेयर मैं आपके साथ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जो किराएदार वाली भाभी है वो उनको मैं क्या क्या दिलवा के लाऊँ। एक्चुअली मैं और उनके दोनों बच्चे गए थे उनके साथ शॉपिंग कराने में, वैसे वो ले नहीं रही थी कुछ भी, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं भाई भाभी आप ले लो, और उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने पैसे भी दे दिए। तो फिर वो लेने चली गई, तो मैंने कहा और उनके हस्बैंड ने तो कहा अच्छी कंपनी का सामान लेना। तो भाभी ने फिर भी कहते ना लड़कियाँ ना बहुत कंजूसी करके सामान लेती हैं, तो भी भाभी ने ना बहुत पैसा कम कम करके सामान लिया है, तो जो भी लिया है उनको अच्छी अच्छी चीज़ ही दिलाई है। तो सबसे पहले ये जो चूड़ी होती है स्वाती है चूड़ी, कल पहनेंगी वो, तो मैं ये संदीप है, संदीप की बेंगल स्टोर की है, संदीप की, तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत अच्छी है चूड़ी, ये प्लेन चूड़ी है रेड कलर की, और ये 40 रुपये की डिब्बी है, 40 रुपये की, 24 है ऐसे कुछ है ये, तो ये बहुत ही अच्छी चूड़ी है। तो ये इस तरह की डिब्बी में आई है और बहुत ही प्यारी है, और ये जो डिब्बी होती है बहुत मजबूत होती है। और ये लेके आई है सीसा, तो ये सीसा है कुछ इस तरह का, ये शायद 10 रुपीज़ का है। और ये कंघा लेकर आई है बाबा का, और ये काफ़ी मजबूत कंघा होता है, और इसकी जो ये होती है ना, ये जो होती है इसकी जो डंडियाँ होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती है, पैनी होती है, मतलब बहुत अच्छी रहती है ये बालों के लिए। और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, और मोस्टली लोग इसी कंपनी के कंघा मांगते हैं बावा के, हमने तो इसी के यूज़ करे हैं। तो और ये लेके आई हैं बिंदी, तो ये इस तरह की है महरूम में, महरूम, और आप लोगों को पता है कि रेड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं करवा चौथ पर, महरूम और रेड, तो ये महरूम है। और इसमें ना देखिए ये एकदम चमकने वाली है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये है, और ये है आलता, और आलता आप लोगों को पता है बहुत ज़रूरी होता है, और ये महारानी आलता है, और ये बहुत ही अच्छा है। और कल भाभी लगाएंगी, तो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगी, जब वो रेडी होंगी तो मैं भी ये लगाऊँगी आलता, तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से ये आलता है, और ज़्यादा तो सामान नहीं लेके आई, लेकिन जो जो लेके आई मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। और चीज़ में जो भी है, भाभी गाँव की हैं आप लोगों को बताऊँ, तो वो कभी अपने चेहरे पे कुछ यूज़ नहीं करती, तो मैंने कि भाभी कुछ ले लो, मैं ये ले लो वो ले लो, तो उनको कम रेट में ही मैं ऐसा सामान ले आई हूँ कल वो अच्छी लगे। और मेरी प्लानिंग ये है कि भैया, मैंने भैया को बुलाया है, क्योंकि मुझे पता अंदर से खुशी होती है कोई हस्बैंड वाइफ है ना, एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को मतलब रेस्पेक्ट दें, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी होती है। तो मैंने कभी, तो भैया बड़े हैं और काफ़ी एज के हैं, गांव के हैं, तो उनको कभी ये बोला नहीं गया कि या बहू के साथ फ़ोटो खिंचा ले जाए, ये कर ले, ऐसा कुछ बोला नहीं जाता गाँव में। आप लोगों को पता है कि हस्बैंड के आगे भी इतना लंबा पर घूंघट करते हैं वहाँ पर गाँव में, तो इसी वजह से वहाँ तो करते हैं, तो भाभी के साथ ऐसा कभी भैया ने किया नहीं है। तो कल मैंने भैया को बुलाया है, और तो भैया कल आएंगे तो भाभी को मैं ही रेडी करूँगी। तो ये लेके आई है वाइट टोन फेस पाउडर, जो है 55 रुपीज़ का, तो एक ये वाइट टोन लेके आई है, और ये 55 रुपीज़ का, तो इसके लिए काफ़ी दिनों के लिए हो जाएगा। एक ये लेके आई है क्लेचर, ये 30 रुपीज़ का एक है, और इसके जो डिज़ाइन अगर बोलूँ तो यहाँ पर है ना फ्लावर बन रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा है ये फ्लावर बन रहे हैं दो, तो ये फ्लावर है। और ये एक लिपस्टिक है ADSP, ADSP आपको दिख रहा होगा यहाँ पर,
ADS की लिपस्टिक है, स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, और ये मैट में रेड है, आपको दिख रहा होगा मैट और रेड कलर की है, ये बहुत ही अच्छी है ये। और ये काजल है, ये भी शायद ADS का है, और ये इस तरह का इसकी पैकिंग मैंने खोल दी है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये 25 रुपीज़ का है, और ये क्लेचर वो अपनी पसंद से लेके आई है। एक्चुअली में मुझे उल्टियाँ होने लगी थी, उल्टी सी हो गई थी, एकदम सफोकेशन हो गई थी, मतलब गर्मी काफी सारी थी। दिया आपको दिखा रही हूँ, अभी दिया से बात कराऊंगी आपकी। तो ये जो क्लेचर है ये बहुत ही प्यारा है, ये आपको रेड दिख रहा है बट ये रेड कलर नहीं है, पिंकिश कलर है। और ये रेड कलर की नेल पेंट है, ये भी 25 रुपीज़ की मिली है उनको, ये भी बहुत ही प्यारी है। और एक ये सिंदूर है, ये है पेंसिल में सिंदूर, और इसकी अगर पैकेजिंग बोलूँ तो बहुत ही प्यारी है, और ये रेड में है, और ये बहुत ही प्यारा सिंदूर है गाइस, और ये ओनली उनको 25 रुपीज़ का मिला है, तो बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, लिपस्टिक में ही पैकेजिंग है लेकिन ये सिंदूर है। हाँ ये दिखा दिया मैंने, और ये व्हाइट टोन क्रीम मैं उनके लिए दिलवा के लाई हूँ उनको, छोटी वाली 75 रुपीज़ की है। आपको देखो ये व्हाइट टोन है, 75 रुपीज़ की है, और ये आप लोगों को पता है कि कहीं आने जाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो ये क्रीम मैं दिलवा के लाई हूँ। तो बस ये इतनी ही पैकिंग है, और कुछ उन्होंने और कुछ नहीं लिया है। तो गाइस आई होप उनकी आपको शॉपिंग अच्छी लगी होगी, और अब और वो अपने पापा को कुछ गिफ्ट करने वाले हैं बच्चे, कल के दिन बच्चों को कुछ गिफ्ट करेंगे, कल के दिन बच्चे अपने पापा को, तो वो मैं आपके साथ कल ही शेयर कर दूँगी क्या गिफ्ट करने वाले हैं। तो वैसे मैं अभी बता दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ रहने को, बस वो है कि जो सामान है वो उनके काम का है और वो लेके आ चुके हैं, बच्चे लोग लेके आ चुके हैं, बस पैकिंग करना रह गया, तो मैं पैकिंग करवाऊंगी मॉर्निंग में, तो पैकिंग हो जाएगी तो वो शाम को अपने पापा को गिफ्ट करेंगे। और एक मिनट रुको, तो कल गिफ्ट कर देंगे। और एक और चीज़ है कि अपनी मम्मी को जो अहोरी अष्टमी कुछ होता है ना व्रत, जिसमें हम बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, उसमें वो अपनी मम्मी के लिए भी कुछ गिफ्ट करने वाले हैं बच्चे, जिसको मैं आपको बाद में दिखा दूंगी जब आ जाएगा, अभी ऑर्डर हो चुका है, बस अभी आया नहीं है, आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि कोई बच्चे अपनी माँ के लिए जब चाहे 10 रुपये की चीज़ लाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, और शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए वीडियो में यही एंड मतलब बंद कर देती हूँ, फिर मिलूंगी कल आपको करवा चौथ की शेयरिंग करने।